हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सरोज है। एसके भेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज मैं बताऊंगी आप लोगों को किडनी हेल्थ के बारे में। किडनी में अगर पथरी हो जाए तो उसको कैसे आसानी से निकाला जा सकता है, आज इसी के बारे में मैं बताऊंगी कि कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें देने पर उनका शरीर ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोग का ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी को अगर किडनी में स्टोन से प्रॉब्लम हो तो ये दवा से किसम ठीक हो जाएगा। तो शेयर ज़रूर करें। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं बता रही हूँ, ये हर्बल है, हर्बल औषधि ये है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये जड़ी बूटियों से बना हुआ ये औषधि है। ये हर्बल प्रोडक्ट है जो जड़ी बूटियों से बना हुआ है। और अक्सर देखते हैं कि हम लोग दवा करके थक जाते हैं तो वो काम नहीं करता है, जो कि जड़ी बूटी से दवा बनी हुई अगर इस्तेमाल करते हैं तो इससे राहत मिलता है और स्वस्थ हो जाता है। दोस्तों, ये मूल रोग और गुर्दे की पथरी के प्रभाव समय पत्थरों के भंग करने में मदद करती है और इसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़कर बाहर निकालने में मदद करती है। रोग सुचार राहत प्रदान करती है। ये औषधियाँ किन किन चीज़ों से बनी है मैं बता रही हूँ। किडनी सहायक अश्वगंधा और गुग्गुल के साथ अर्जुन जैसी प्रसिद्ध किडनी टॉनिक और किडनियों को हेल्प करने में मदद करती है। ये किसी को अगर किडनी में पथरी हो, स्टोन देखिए कि 1 ml है, 2 ml है, 4 ml है, कितना बड़ा है उसके अनुसार ये प्रोटेक्ट दें। और किसी ये 3 महीना से 4 महीना, अगर किसी के बड़ा है तो 3 से 4 महीना इस प्रोडक्ट का प्रोटेक्ट दें, जो मैं बता रही हूँ कौन कौन सा प्रोडक्ट इसमें दें। तो पहला नोनी, फ्लैक्सवेल, गेनोडर्मा, किडनी हेल्थ और फुट पैच, ये देना है और 3 महीना लगातार इसे चलाना है। 3 महीना लगातार कंटिन्यू चलाना है और फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड करके देख लेना है कि इसमें पथरी है या कल ख़त्म हो गया है। अगर थोड़ा बहुत बचा है तो 3 से 4 महीना इसे चलाने से ये ख़त्म कर देता है और बहुत आसानी से ये स्टोन को निकाल देता है। फुट पैच का काम है, उसको रात में सोते समय उसको पैर में लगाना है और लगा करके सो जाना है। जब सुबह आप उठेंगे तो देखेंगे उसमें कालापन, काला उसमें रहेगा, गीला गीला काला, उसको निकाल कर कहीं फेंकना नहीं है, गड्ढा खोद करके उसको गाड़ देना है, क्योंकि वो पॉइजन होता है जो हम लोग को शरीर से निचोड़ कर निकालता है, वो जहरीला है, जो कि अगर कोई सूंघ लेगा तो वो जहरीला उसे असर करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए गड्ढा खोद के उसको गाड़ देना है। किसी भी और नोनी फ्लैक्स वायर जिसमें 90 गोली है, 90 गोली जिसमें है वो 3 टाइम देना है और जिसमें 60 गोली है उसमें 2 टाइम देना है और 30 गोली है जिसमें 30 कैप्सूल होगा उसको 1 टाइम देना है।
दोस्तों ये ध्यान दें, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, जिस 90 गुड़ टेबलेट होगा उसको 3 टाइम देना है, 60 जिसमें होगा 2 टाइम देना है, 30 गोली होगा उसको 1 टाइम देना है, और कंटिन्यू लगातार 3 महीना ये दवा देना है। उसके बाद ये फुट पैच जो है 1 दिन लगाना है सोते समय, दूसरे दिन नहीं लगाना है, फिर तीसरे दिन उसको लगाना है, 1 दिन बैक देके उसको लगाना है, ध्यान दें 1 दिन बैक देके उसको लगाना है, कंटिन्यू नहीं लगाना है, और 3 महीना उसको इस दवाई को आप रेगुलर दीजिए। ये 100% रिजल्ट है कि किडनी जड़ से ख़त्म कर देती है, किडनी में जो पथरी है उसे जड़ से ख़त्म कर देती है और इंसान स्वस्थ हो जाता है। ये प्रोडक्ट बहुत ज़बरदस्त है और ये मैं दी हूँ, वो पेशेंट ठीक हो गया है। मैं सोची आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ और आप लोग भी दें ताकि दूसरों को मदद करें और स्वस्थ बनाएं। आप लोगों से आग्रह है कि ये प्रोडक्ट दें और उन लोगों को स्वस्थ करें, और YouTube चैनल देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।